आप जो देख रहे हैं वो सार्फ कंपनी का सबवूफर सिस्टम है। ये उसका लेबल लगाया हुआ है पीछे, तो मैं उसमें कैसा स्पीकर आता है मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसे खुलता है उसका, ये इसका आगे का भाग है जो ऐसे खुलता है, और ये उसका अंदर का लुक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर कुछ है नहीं, देखो ये सिर्फ वायर लगाया हुआ है। और ये इसका एक होल दिया हुआ है यहाँ से, और ये उसका आगे का लुक है कैसे बनाया हुआ है, आप साइड में से देख सकते हैं। ये उसका मेजरमेंट है यहाँ का, और ये इसके अंदर जो स्पीकर है कैसे दिया हुआ है, ये सब ऊपर है तो उसका। डबल मैग्नेट है, ये उसका डबल मैग्नेट है, ये उसका डबल मैग्नेट है यहाँ से, और उसके पीछे ये साथ का लोगो लगाया हुआ है। उसका टोटल वॉट मैक्सिमम 120 वॉट 8 ओम्स तक चलता है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, 100 वॉट तक बहुत चलता है। इसका स्पीकर का साइज बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो मैं उसका मेजरमेंट करके आपको दिखाता हूँ, उसका मेजरमेंट क्या है। ये उसका मेजरमेंट है स्पीकर का, 6.5 इंच का स्पीकर है ये, अंदर उसका 6 इंच का कॉन है, और ये उसका यहाँ का मेजर है 8.5 इंच यहाँ से है, 8.5 इंच यहाँ से है, और पीछे से उसका मेजरमेंट करीबन 9 इंच पीछे से उसका मेजरमेंट डीप है उसका 9 इंच, और इसका हाइट साढ़े 12 इंच उसका हाइट है। तो साढ़े 8 इंच पोला है उसका वाइड, 9 इंच उसका डीप है, और 12.5 इंच उसका हाइट है। ये ओरिजिनल शार्प का स्पीकर है, अगर आप बनाना चाहें तो ये मेजर से आप बना सकते हैं। ये उसका स्पीकर है, उसके अंदर का डबल मैग्नेट का है, अच्छा स्पीकर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।